जेई का रिजल्ट आने के बाद बच्चों ने पूछा कि भैया मेरे को आईआईटीज में जाना है, एनआईटीज में जाना है, ट्रिपल आईटीज में जाना है, जीएफटीआईज में जाना है। इन सभी में जाने के लिए एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, कौन से पोर्टल से एडमिशन्स होते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें पता चल गई है कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी आपके चैनल पे कट ऑफ वट ऑफ सब कुछ डला हुआ है। आपको नहीं पता था, जा करके डिस्क्रिप्शन में भी देखो, डला हुआ है। तो बात आती है कि भैया कैसे जाते हैं। तो देखो यार, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, जीएफटीआईज एंड आईआईटीज, इन सभी में अगर आपको एडमिशन्स लेने हैं तो आपको जोसा काउंसलिंग के थ्रू जाना पड़ता है। जोसा काउंसलिंग क्या होता है, जोसा काउंसलिंग का प्रोसेस कैसे चलता है, पूरा आपके डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड होंगे, साथ ही साथ आप लोग पूछोगे कितने राउंड्स होते हैं, हर राउंड में क्या होता है, फीस विड्रॉ करनी होगी तो क्या होगा, मतलब हर एक चीज जोसा के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है हर एक चीज बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, जिससे कि यार इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो की देखने की कोई भी जरूरत ना पड़े। तो अब ज्यादा बात नहीं करते हैं, तो फिर चलो यार। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सबसे पहले समझते हैं कि जोसा होता क्या है। जोसा का फुल फॉर्म की बात करें तो जॉइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी होती है, जो कि सेटअप की गई थी यार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, जिसके अंदर हमें लगभग 114 इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन्स मिल जाते हैं। ये कौन कौन से हैं, तो 23 लगभग आईआईटीज हैं, 31 एनआईटीज है, एक नया एडअप हुआ था जो आईआईईएसटी शिवपुर है, एंड 26 ट्रिपल आईटीज है, एंड 33 जीएफटीआईज है। तो ये सारे हमारे आते हैं जोसा के अंडर, जिनके थ्रू हमारे जिनमें एडमिशन्स होने हैं। नेक्स्ट चीज पे चलने तो आ जाता है हमारा एलिजिबिलिटी फॉर जोसा 2023। एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो बहुत लोग आपको बोलेंगे कि यार जोसा में वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी कट ऑफ क्लियर हो गई है, ठीक है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हो तो कट ऑफ क्लियर होगी तभी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसने भी बताया बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आपके साथ प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं है, सारे बच्चे चाहे उसकी रैंक 6 लाख हो, 7 लाख हो, 8 लाख हो, जितनी भी रैंक हो, हर बच्चा अप्लाई कर सकता है। एंड एक और चीज़ बता दूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट में अप्लाई कर सकता है, 1 रुपये भी आपके रजिस्ट्रेशन चार्ज कुछ नहीं लगता है, ठीक है। अब बात कर लिया है कि जेई मेन बच्चे जो भी बच्चे दिए हैं, ठीक है, उन बच्चों को किस किस में एडमिशन्स मिल सकता है, तो एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईआईएसटी शिवपुर, जीएफटीआईज के अंदर एडमिशन्स मिल जाएंगे। और जिन बच्चों ने यार जेई एडवांस का एग्जाम दिया है, उन सारे बच्चे जो हैं वो सारे बच्चे आईआईटीज के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अगर आपने जेई एडवांस नहीं दिया तो आईआईटीज के लिए आप एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, आईएसटी शिवपुर एंड जीएफटीआईज तो ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल होगा ही। कंपलसरी है कि यार 12th के अंदर आपने मिनिमम स्कोर किया होगा 75% एग्रीगेट आपका होना चाहिए, ठीक है, यानी कि सारे सब्जेक्ट्स का मिला करके फॉर द जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी एंड एससीएसटी की बात करें तो 65% एंड पीडब्ल्यूडी के लिए भी 65%। एक थोड़ा सा भैया डेट बता दो कब शुरू होगी, तो 19 जून से हमारा ये लगभग स्टार्ट होने वाला है। नेक्स्ट चीज पे चलें तो थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि जोसा का पूरा प्रोसेस कैसे चलता है, और जितने भी स्टेप लिखे हर स्टेप को अच्छे से समझना पड़ेगा हमें। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन, फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग, फिर मॉक सीट अलॉटमेंट, चॉइस लॉकिंग, कुछ अगर वर्ड्स और टर्म समझना आ रही हो तो अभी हम डिटेल में समझने वाले हैं। देन जाकर के सीट अलॉटमेंट होता है, जिसमें कि हमें फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड के ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। सीट अगर नहीं अलॉट होती है तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट राउंड में चले जाते हैं। इसके बाद जाकर के आप क्या कर सकते हो, अगर आपको सीट मिल जाती है देन जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हो अलॉटमेंट लेटर को। फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी देनी होती है बताएंगे आगे, एंड उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डाउनलोड करके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। तो अभी बहुत सारी चीजें समझ नहीं आई होंगी, तो धीरे धीरे करके पूरा प्रोसेस समझ रहे हैं तो पूरा समझ आ जाएगा। नेक्स्ट चीज पे चलें तो अब आ जाता है हमारा स्टेप बाय स्टेप कि पहले रजिस्ट्रेशन होगा, तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना होगा। सबसे पहले ये जो पोर्टल आपको दिख रहा है josa.nic.in, इसी पोर्टल से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लगेगा फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो देखो यार, पोर्टल जैसे ही आप खोलोगे, इस पोर्टल पे जैसे ही स्टार्ट होगा तो देन जाकर के यहाँ पे इस तरीके का आपको शो होने वाला है। इसके अंदर आपको डिटेल्स कौन सी भरनी है, तो आपकी वही जेई मेंस वाली डिटेल्स, जो एप्लीकेशन नंबर है वही सेम डालना है, एंड देन पासवर्ड डाल करके आप लॉग इन कर सकते हो, ठीक है। कोई नया से कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, दोबारा से कुछ फिलआउट नहीं करना होगा, नया नहीं कुछ बनाना, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे ही आप ओपन करोगे ना, तो आपके सामने कुछ ऐसा आएगा डिक्लेरेशन करने के लिए कि आप अपना देख लो, कुछ चेंजेस वेंजेस करने हैं आपको अपना, तो आप यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं। तो ये डिक्लेरेशन आपको कंप्लीट करना है, जैसे ये कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे डिक्लेरेशन टिक करके, तो जाकर के आपका ऐसा पोर्टल आ जाएगा जिसके अंदर आपको सारी चीज देखने को मिल जाएंगी, चॉइस फिलिंग ये वो सब कुछ देखने को यहाँ ही मिल जाएगा, कितनी चॉइसेस हैं वो सारी देखने को मिल जाएगी। अगर आप आईआईटीज के लिए भी एलिजिबल हो तो आपके सामने थोड़ी ज्यादा चॉइसेस होगी, आईआईटीज के लिए एलिजिबल नहीं हो तो कम चॉइसेस होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारा कौन सा प्रोसेस, चॉइस फिलिंग, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन हो गया, आप चॉइस फिलिंग करना है। ये भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है चॉइस फिलिंग। अगर आपने चॉइस फिलिंग में गलती कर दी
तो हो सकता था कहाँ पहुँचने वाले थे आईटी में, कहाँ पहुँचने वाले थे एनआईटी में, पहुँच जाओगे कहाँ किसी नीचे वाले जीएफटीआईज में। तो चॉइस फिलिंग बहुत मैटर करती है, और क्यों मैटर यहाँ पे है, क्योंकि एक ही बार चांस मिल रहा है, ओनली वन चांस। क्योंकि अगर आपने एक बार चॉइस फिलिंग कर दी तो हर राउंड में आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है, फर्दर राउंड्स में कोई चेंजेस करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए समझा रहा हूँ आप लोगों को, चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप लॉक नहीं करते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिकली लॉक कर देगा, इसकी कोई बात नहीं है। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग एक बार भर दोगे, ठीक है, भरने के बाद लॉक मत करना, फिर आपके सामने मॉक सीट अलोकेशन होगा, उसके भी दो राउंड होते हैं। बोलोगे मॉक सीट अलोकेशन क्या होता है, आप थोड़ा समझा दो। आप मेन राउंड जब आपके स्टार्ट होंगे ना, राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर, छह राउंड होंगे, तो इन छह राउंड से पहले दो राउंड इसलिए कराए जाते हैं कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए क्या मिल सकता है। ये असली में कंफर्म नहीं होता कि ये पक्का ही मिल जाएगा, ये आपको एक तरीके से ओवरऑल आइडिया देते हैं, आपने जो चॉइस फिलिंग है इसके हिसाब से आपको ये मिल सकता है। तो दो मॉक राउंड होते हैं, ये कुछ ऐसा नहीं होता कि ये मिल ही जाएगा, इसके बाद आप चॉइस लॉक कर सकते हो, नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, टोटल छह राउंड होते हैं। अब मैंने जो बात करी यार आप लोगों के लिए कि आप लोगों चाहिए भैया बेस्ट कॉलेज, क्या चाहिए बेस्ट कॉलेज, क्योंकि एक बार चॉइस फिलिंग है तो गलती नहीं कर सकते, कोई चांस ही नहीं है यार गलत करने का। तो हम लोगों ने आप लोगों के लिए पूरा एक काउंसलिंग सपोर्ट लॉन्च कर दिया है। काउंसलिंग सपोर्ट के अंदर क्या क्या मिलने वाला है भैया, क्या क्या मिलेगा काउंसलिंग सपोर्ट में, आप क्या करोगे आप ये बता दो। हम लोग यार लगभग 5 ईयर से आप लोगों की काउंसलिंग करा रहे हैं, बहुत सारे हजारों बच्चों की हमने काउंसलिंग कराई है, हमारे बच्चे आईटीज एनआईटी सब में हैं, ठीक है। तो आप लोगों को हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं, अगर आप हमारे साथ ज्वाइन होते हो तो आपको कॉल या मीट का सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। इसके साथ ही साथ आपको पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिलेगा, क्या मिलेगा पर्सनलाइज, जिसको आप फिल कर दो, जो हम भेजेंगे सेम टू सेम पूरा फिल कर दो, आपको बेस्ट मिल जाएगा, ठीक है, आपको बेस्ट मिल जाएगा आपकी रैंक पे, ठीक है। इसके साथ कोई भी डाउट वोट आएगा वो तो क्लियर होगा ही, आपका पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप होगा जिसके अंदर जो भी क्वेरीज होंगी और जो भी हमारे नए नए अपडेट्स आएंगे वहाँ सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा, जो भी टिप्स विप्स होंगे सारी चीज़, यानी कि आपका एज अ मेंटरशिप मिल जाएगी एट अ प्राइस ऑफ, भैया इतनी सारी चीज़ कितने में दे रहे हो बताओ, थोड़ा सा पैसा 10,000 रुपये नहीं लूँगा, ना ही 5,000 लूँगा आप लोगों से, ना ही 3,000, ना ही 2,000, आपके लिए अभी फिलहाल प्राइस रख रखा है ओनली एट अ प्राइस ऑफ 999 रुपीज़ फॉर द जोसा काउंसलिंग। इसके साथ आपको जोसा के साथ और भी इंडिया के अंदर किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो उसके अलग अलग प्राइजेस आपको देखने को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जोसा प्लस वन, जोसा प्लस टू, किसी काउंसलिंग में जोसा के साथ सीसैप भी करना है, तो हर एक चीज आप कर सकते हो। तो अभी जाकर के ज्वाइन कर लो, बिकॉज ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है फॉर द फर्स्ट 500 स्टूडेंट्स, 500 बच्चों के लिए ऑफर है। जैसे ही ये फिल आउट हो जाएंगे इसके बाद आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, प्राइजेस इंक्रीज करने पड़ेंगे, 1000 से 1500 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको शायद समझ आ गया हो कितना इंपॉर्टेंट हमारा चॉइस फिलिंग होता है, तो जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लेना काउंसलिंग सपोर्ट। नेक्स्ट चीज पे जाते हैं आप सीट अलॉटमेंट। देखो यार अब जैसे आप चॉइस फिलिंग कर लोगे उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आएगा राउंड वन का, अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो कुछ भी नहीं करना, आपको ऑलरेडी आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओ, कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन अगर मान लो आपको सीट मिल जाती है फिर आपको क्या प्रोसेसेस करने होंगे, तो देखो इसके लिए सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे। सबसे पहले आपको सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना होगा, फिर एक्सेप्ट करना होगा सीट को, जहां पे आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे तीन, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। तो अभी आगे समझाऊंगा तीनों को डिटेल में क्या होता है, ठीक है, ये ऑप्शंस आपको चूज करने होंगे। जैसे ही आप ये ऑप्शंस चूज कर लेते हो उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स है आगे वो भी मैं बताने वाला हूं, कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है आपके जोसा काउंसलिंग के अंदर। इसके बाद जाकर के आपकी सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी होगी, अगर आप ये पे नहीं करते हो तो आपको जोसा से बाहर कर दिया जाएगा, अगर आपको मिलती है सीट आप नहीं पे करते हो तो जोसा से बाहर हो जाओगे। 35,000 रुपीज आपको टोटल देना पड़ता है फॉर द जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 15,000 रुपए 15,000 रुपीज फॉर द एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी के लिए। जैसे आप ये सब कर दोगे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा, तो डाउनलोड कर सकते हो आप डाउनलोड वेरिफिकेशन लेटर में, और डाउनलोड करके रख लेना ध्यान से, बाद में काम आता है। अगर हाँ डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ होगी तो वो आपको बता देंगे कि यहाँ पे ये क्वेरी है, इसको चीज को ठीक करो या ये अपलोड करो, जो भी है आपको वो सॉल्व करना पड़ेगा, और वो सॉल्व नहीं करोगे तो भी एडमिशन नहीं होंगे, ठीक है। तो आपको पोर्टल पे बने रहना होगा, इसलिए तो बोल रहा हूँ यार काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो कि कोई दिक्कत आएगी तो हम लोग हैं, ठीक है। तो जैसे ही सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा देन आप कॉलेज वॉलेज विजिट कर सकते हो जो सारे कंप्लीट होने के बाद, और लास्ट में एक और फीस भी लगेगी वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है हमारा फ्रीज फ्लोट स्लाइड, जो भैया आपने समझाया आने के बाद वो क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। देखो यार फ्रीज का मतलब क्या है कि आपको जो भी कॉलेज मिला है, ठीक है, मान लो आपको मिल जाता है एनआईटी दुर्गापुर, आप सेटिस्फाइड हो, आपके ही आस पास में पड़ता है, आप सेटिस्फाइड हो, जो भी ब्रांच मिली है पूरे सेटिस्फाइड
हो, तो आप क्या करोगे, भैया मुझे यही चाहिए था, अब मैं फ्रीज कर लेता हूँ, मुझे आगे राउंडों में पार्टिसिपेट नहीं करना है, देन जाकर के आप लोग फ्रीज का ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, आप क्या चूज करोगे, फ्रीज। तो फ्रीज का ऑप्शन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चीज आती है हमारी फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या है, तो देखो यार फ्लोट का मतलब है कि आपको जो भी कॉलेज मिल रखा है आप चाहते हो उससे, जो भी मैंने प्रेफरेंस ऑर्डर भरी है उसमें ऊपर की मेरी किसी भी कॉलेज में मिले, ये वाला भी रहे लेकिन इसके ऊपर कुछ भी मिल जाए। ठीक है, तो फ्लोट का मतलब है कि अपग्रेडेशन आप चाहते हो किसी और कॉलेज में। ठीक है, किसी और कॉलेज में अपग्रेडेशन चाहते हो तो फ्लोट का ऑप्शन आप चूज करोगे। राइट, तो फ्लोट का ऑप्शन मैं सबको सजेस्ट करूंगा जिससे कि उसको बेस्ट से बेस्ट मिल जाए। लेकिन 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 किसी बच्चे को अगर ऐसा है कि भैया नहीं, मेरे को जो कैंपस मिल गया है NIT दुर्गापुर मिल गया, उसकी नीचे वाली ब्रांच मिली है, अब मैं चाहता हूँ सेम ही कॉलेज के अंदर मैं बस ब्रांच अपग्रेडेशन चाहता हूँ, देन स्लाइड का ऑप्शन आपको चूज करना है। ठीक है, देन जाकर के आपको स्लाइड का ऑप्शन चूज करना है, सेम कॉलेज के अंदर बस ब्रांच अपग्रेड होगी। फ्लोट के ऑप्शन में क्या होगा, कॉलेज अपग्रेड हो सकता है। ठीक है, अब फ्रीज आपको समझ आ गया, तो आई होप सो कि आपको ये तीनों चीजें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट चीज पे चलें, तो आप डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं आपके लिए, जोसा के लिए, और सारे डॉक्यूमेंट्स मैं बता दे रहा हूँ। कॉलेज वॉलेज पहुंचोगे तो क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा, सारे के सारी लिस्ट है। ये PDF की बात करें तो टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल जाएगी आपको। यार थोड़ा सा मैं सबको समझा देता हूँ, तो क्लास 10th की मार्कशीट आपको चाहिए होगी, एक आधार कार्ड चाहिए होगा, क्लास 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा जिस भी आप कैटेगरी से हो, देन जाकर के वो सही फॉर्मेट में होना चाहिए जो जोसा 2023 का होगा, एंड देन जाकर के अगर OBC NCL वाले बच्चे हैं तो यार सर्टिफिकेट हमारा इशूड होना चाहिए 1 अप्रैल के बाद। ठीक है, यानी कि 1 अप्रैल बीत चुका है तो 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए सर्टिफिकेट, उससे पहले का है तो काम नहीं चलने वाला। सारे ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, PWD के डिसेबिलिटी का भी ओरिजिनल होना चाहिए अगर आप PWD से हो, आपका जो बैंक चेकबुक है ठीक है उसका पूरा एक कैंसल्ड चेक भी आपको उसमें अपलोड करना पड़ेगा, या आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, आपका खुद का नहीं है तो आप फादर का कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आ जाएगा जोसा की वेबसाइट पर ही, देन जाकर के आप उसको भी डाउनलोड करके मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हो, देन जाकर के आपको एक पासपोर्ट लगाना, अगर आपको पासपोर्ट लगाना है तो आप पासपोर्ट लगा सकते हो। एडमिट कार्ड जो है JEE मेन का उसको आपको रखना पड़ेगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपका यूज आ सकता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये सारे आपका स्कूल से मिल जाएगा। इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट्स, अगर आप चाहते हो कि यार कुछ स्कॉलरशिप सब मिले तो इनकम सर्टिफिकेट। फिर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी बहुत ज्यादा जरूरी है, मैं तो बोलूंगा 10-15 वाली बना लेना, 10 फोटो 20 फोटो बना लेना, बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया। सीट अलॉटमेंट लेटर आपको जो मिलेगा वो डाउनलोड कर लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड करके रख लेना, और JEE मेन JEE एडवांस का जो भी रिजल्ट आया है वो सारा कुछ, यानी कि ये टोटल सारे आपके डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो ये सारा ध्यान से देख लेना है जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताए। इसके बाद आ जाता है कि पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फी क्या होती है, यानी कि अगर मान लो आपका कुछ मिल रखा है तो आपने पहले ही 35,000 पे कर दिया, जनरल वाले बच्चे हो तो 35,000 आपने ऑलरेडी पे कर रखे हैं, लेकिन इसके बाद जो आपका फीस है ठीक है, जैसे ही आप जोसा खत्म होने वाला है तो आपको 40,000 और भरना पड़ेगा। ये पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फी है कि अब हम कंफर्म हो चुके हैं यही सीट लेनी है, तो 40,000 ये कंफर्म करना पड़ेगा आपको। ठीक है, जनरल EWS OBC वालों को 40,000, 20,000 फॉर SC ST PW। अगर आप पार्शियल सीट एक्सेप्टेंस फी भी नहीं पे करते हो ठीक है, तो भी जाकर के आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल कितने ले रहे हैं, 40,000 या 35,000 वहां, तो टोटल हमारा हो गया 75,000। ये आप पूछोगे भैया 75,000 क्या काउंसलिंग के लिए, नहीं नहीं, जो भी फीस कॉलेज की होने वाली है ना उसमें उतना डिडक्ट हो जाए। किसी कॉलेज की फीस अगर मान लेते हैं 1,00,000 रुपीज है तो 75,000 माइनस कर देंगे और जो रिमेनिंग है 25,000 बस आपको उतना ही कॉलेज को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ आ गई। किसी बच्चों को सीट विड्रॉ करने का मन हो गया बीच में कि नहीं मेरे को नहीं लेना है, मेरे को पैसे वापस चाहिए, तो IITs के लिए, IITs में अगर आप जा रहे हो, अगर उसमें मिला हुआ है आपका एडमिशन, तो राउंड 5 तक ही आप एलिजिबल हो कि उसको विड्रॉ कर सकते हो। पोर्टल में शो हो जाएगा, आप विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन हम अगर आप NIT सिस्टम है तो राउंड 6 तक भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हो तो भी आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करना मैंडेटरी है। ठीक है, और पार्शियल एक्सेप्टेंस फी भी, दोनों मैंडेटरी है। ठीक है, तो ये ध्यान से कर लेना। तो ये सारा कुछ आपको समझ आ गया। लास्ट चीज आती है, अगर जोसा के बाद ऑलरेडी आपको पता है कि सीट बचनी ही बचनी है, तो आपके इसके बाद होता है CSAB। तो यहां तो आपकी मान लो 55-60,000 फॉर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे, इतने तक मिल जाता है एडमिशन। इसके बाद आप जाओगे जो CSAB के अंदर, तो जिन बच्चों को यहां नहीं मिल पाएगा वो CSAB में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद CSAB होता है। तो अगर आप लोगों को जैसे ये वीडियो मैंने बनाई, आपकी पूरी की पूरी डिटेल सारा कुछ समझाया, अगर आपको चाहिए कि भैया CSAB वाले भी बना दो हमारी, तो आप कमेंट करो, CSAB वाली वीडियो भी आप लोगों के लिए आ जाएगी। तब तक के लिए आप लोग जल्दी से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो, जो पर्सनली हमारे से बातचीत हो सके। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन हो जाना। सो बस यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।